ज्ञान विज्ञान और रहस्यमय तथ्यों वाले चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको मेडिकल साइंस की उस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से एक भ्रूण को परख नली में तैयार किया जाता है और उसके बाद महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह तकनीक निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है। तो आइए जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है। इस तकनीक में महिला के अंडाशय से अंडों को निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है और उसके बाद निषेचित अंडाणु को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 5 चरणों में होती है। पहला चरण। इस प्रक्रिया में महिलाओं को पहले 2 हफ्ते तक लगातार सप्रेसिव इंजेक्शन देकर प्राकृतिक रूप से होने वाले मासिक चक्र को दबा दिया जाता है। दूसरा चरण। इस चरण में प्रजनन हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को बढ़ावा देने वाली दवाएं दी जाती हैं। इससे सामान्य से ज्यादा अंडाणु बनने लगते हैं। इस दौरान अल्ट्रासाउंड की पूरी प्रक्रिया को निगरानी में रखा जाता है। तीसरा चरण। बेहद छोटे ऑपरेशन द्वारा ओवरिस के एग्स को इकट्ठा किया जाता है। यह प्रक्रिया सावधानी पूर्वक कई बार दोहराई जाती है जिससे कि अंडों की संख्या को बढ़ाया जा सके। चौथा चरण। इकट्ठा किए गए अंडाणुओं को प्रमुख शुक्राणुओं के साथ प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित चैम्बर में एक साथ रख दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद शुक्राणु अंडे में इंजेक्ट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इस प्रकार फर्टिलाइज एग्स भ्रूण बन जाते हैं। पांचवा चरण। चुने हुए 1 या 2 भ्रूण को कैथेटर द्वारा गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। निश्चित रूप से IVF द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति उन तमाम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है जो संतान होने की सारी आस खो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है।